Hello guys, welcome to my channel Study by Tech. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल 2018 के हिंदी में. ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं. और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है. मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाता हूँ. आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पिछले दिनों के भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और जो मैं करंट अफेयर्स लाता हूँ वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. आप चाहे तो कल आप ये न्यूज़ में भी देख सकते हैं. मैं करंट अफेयर्स मेरे ऑथेंटिक है, तो मतलब प्रमाणित है, प्रमाणिक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. भारत विश्व बैंक हस्ताक्षर समझौता. और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षर हुआ है, यानी समझौता हुआ है, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं. विश्व बैंक ने समावेशी परियोजना के लिए भारत में नववर्तन के लिए 125 मिलियन के आईबीआरडी क्रेडिट के लिए भारत के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. तो ये साइन हुए हैं अभी, ठीक है. परियोजना का उद्देश्य स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है, स्थानीय उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है. परियोजना प्रमुख बाजार विफलताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक निजी और अकादमिक संस्थानों के संघ का समर्थन करेगी. तो ये आपकी ये याद रखिए कि भारत और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षर हुए समझौते पर. तो भारत विश्व बैंक से लोन लेता रहता है और विश्व बैंक भी भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर लोन देता रहता है. तो भारत ने लोन लिया है विश्व बैंक से. तो ये 125 कितने ये आएगा क्वेश्चन कि किस भारत ने विश्व बैंक से कितने मिलियन डॉलर का लोन लिया है. निजी और सार्वजनिक अकेडमिक संस्थानों के संघ का लिए और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना देने के लिए. तो ये लिया है 125 मिलियन डॉलर. तो आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है. विश्व बैंक विश्व का सबसे बड़ा बैंक है. ये देशों को, कई देशों को कर्ज देता है और बदले में इंटरेस्ट लेता है. किसी देश को ज्यादा इंटरेस्ट पे देता है तो किसी को कम इंटरेस्ट पे देता है, वो उसकी स्थिति पे निर्भर करता है. चलिए स्टार्ट अगला करते हैं. डालमिया भारत ने लाल किले दिल्ली को अपनाया. मतलब डालमिया भारत लिमिटेड ने विरासत को अपनाने परियोजना के तहत लाल किले स्मारक को अपनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. तो लाल किले को डालमिया भारत ने अपना लिया है एज अ गार्डियन, एज अ मतलब उसकी देख रेख के लिए अपना लिया है, उसकी देखभाल करेगा विरासत के तौर पर. कौन सा? डालमिया भारत. गोद लेने के पर्यटन सुविधाओं के प्रावधान और विकास से संबंधित गतिविधियों का निर्माण परिदृश्य रोशनी और रखरखाव करने में सक्षम हो जाएगा. तो ये भारत, ये लाल किले की रोशनी, लाल किले में रोशनी बनाए रखना, उसके रखरखाव आदि गतिविधियों पर देखेगा, आदि गतिविधियों का ध्यान रखेगा. कौन? डालमिया भारत. 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस. तो ये क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? तो ये होता है 27 सितंबर को. 2017 को विश्व पर्यटन दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक विरासत योजना को अपनाया था. तो ये रामनाथ कोविंद जी ने एक योजना शुरू की थी 27 सितंबर 2017 को विरासत दिवस पर. विरासत योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत कोई भी कंपनी किसी विरासत को गोद ले सकती है. जैसे गोद लेते हैं ना, गांव गोद ले लेते हैं लोग उसकी देखभाल के लिए. इसका मतलब वो उसका मालिक नहीं बन जाते, बस रख रखाव के लिए गोद लेते हैं. तो ऐसे ही ये योजना है. रिमेंबर, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं. ये बहुत से पदों पर रह चुके हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री आईसी ने सामान्य पुल आवासीय आवास JPRA में सरकारी आवासों के आवंटन के लिए एक मोबाइल ऐप एम आवास लॉन्च किया है। आवेदन NIC द्वारा विकसित किया गया है। ऑनलाइन आवंटन यानी ई आवास का समर्पित आवेदन इस ऐप का समर्थन करेगा। तो शहरी एवं आवास में जो मंत्रालय है उनके प्रमुख हैं मिस्टर पुरी, जो मंत्री हैं उनके जो कास्ट है वो पुरी हैं। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है एम आवास। तो ये आप याद रखिएगा, एम आवास शहरी एवं आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने एक ऐप लॉन्च की है एम आवास। एम आवास और हमारे जो आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं मिस्टर पुरी। केरल के मुख्यमंत्री ने प्राइवेसी पेंशन योजना सॉरी प्रवासी प्रवासी पेंशन योजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने प्रवासी पेंशन योजना शुरू की। यह योजना उन लोगों को प्रदान करती है जो केरल से है लेकिन राज्य या देश के बाहर रहते हैं। 1 महीने में 2,000 की पेंशन मिलेगी उसे। 60 साल से अधिक उम्र के लोग पेंशन के लिए पात्र हैं। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। तो हमारे जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनराय विजयन और जो उपराज्यपाल हैं और जो राज्यपाल हैं वो है पी सथा शिवम। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। सुंदरवन के लिए रामसर टैग की संभावना है। सुंदरवन रिजर्व वन 4.260 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2,000 वर्ग 2.000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के साथ मैग्रोव वनों और खाड़ियों के जल्द ही एक रामसर साइट घोषित होने की संभावना है। मैग्रोव वनों के साथ भारतीय सुंदरवन भारत में लगभग 43 मैग्रोव कवर शामिल है। वर्तमान में भारत में 26 साइटें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर गिले लैंड साइटों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो सुंदरवन तो इसमें हमारा है, जो जो मैग्रोव वन है ना वो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, और ये 43% है इंडिया में। सिर्फ मैग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं सुंदरवन में, और दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं मैग्रोव। यही भारत की विशेषता है। और जो भारत की जो सॉरी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। तो आप ये याद रखिएगा कि सुंदरवन के लिए रामसर टैग की संभावना है, रामसर टैग की संभावना है। आप इसे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत मंगोलिया संयुक्त समिति में भाग लेने के लिए IAM विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उलान बातर में मंगोलियाई समकक्ष के साथ भारतीय मंगोलियाई संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के 6वें दौर की सह अध्यक्षता करेंगी। बैठक व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग पर चर्चा करेंगी वो। श्रीमती सुषमा स्वराज 42 वर्षों में मंगोलिया जाने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री बनी हैं। तो ये है आपका कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगोलिया
में भारत मंगोली संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में छठवें दौर की अध्यक्षता करेंगी। ये व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग पर चर्चा करेंगी वो मंगोलिया में, और वो 42 वर्षों में जाने वाली पहली विदेश मंत्री है मंगोलिया मंगोलिया। ये विदिशा से सांसद है ये सुषमा स्वराज जी, और ये हमारी विदेश मंत्री हैं। ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, सो वर्तमान में ये विदेश मंत्री हैं। और हमारे विदेश राज्य मंत्री कौन है कमेंट में बताइए। चलिए आगे करते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट शासन को आराम करने के लिए सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट शासन पर्यटन प्रचार के लिए आराम किया जाएगा। नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में द्वीप विकास एजेंसी की तीसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। तो द्वीप विकास एजेंसी ने पहचाने गए द्वीपों के लिए विकास योजना की तैयारी की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की है। तो ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार ये यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के राज्य उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट शासन पर्यटन प्रचार के लिए आराम इंतजाम किया जाएगा। नई दिल्ली में गृह मंत्री ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में द्वीप विकास एजेंसी की तीसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। तो केंद्र सरकार जो तैयारी कर रही है निकोबार, जो 7 केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्होंने द्वीप विकास एजेंसी से तैयारी की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की है, मतलब समीक्षा के बारे में पूछा गया है। पर्यटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत पर्यटन है, वहाँ पे लोग नदी में नहाते हैं, बोटिंग करते हैं, इवन बहुत ही अच्छा एक बार अंडमान निकोबार जाके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। नई दिल्ली में सुरक्षित भारत सम्मेलन चल रहा है। 2 दिवसीय सिक्योर इंडिया कॉन्क्लेव 24 अप्रैल को नई दिल्ली में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण को देखते हुए ग्लोबल काउंटर आतंकवाद द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सिक्योर इंडिया 2018 कार्यक्रम भारत की आंतरिक सुरक्षा में प्रचलित मुद्दों का एक अद्वितीय एनकैप्सुलेशन प्रस्तुत करती है। तो नई दिल्ली में सुरक्षित भारत सम्मेलन चल रहा है था 2 दिवसीय सिक्योर इंडिया कॉन्क्लेव था, 24 अप्रैल को नई दिल्ली में चल रहा था, 24 अप्रैल तक चल रहा था। तो ये पूछा जाएगा कि सुरक्षित भारत सम्मेलन कहाँ चल रहा था। तो सिक्योर जो भारत सिक्योर इंडिया सम्मेलन था वो चल रहा था नई दिल्ली में। केरल में सागर कवच शुरू हुआ। तो एक इंडियन नेवल एक्सरसाइज है, आप बोल सकते हैं इंडिया में जो इंडियन नेवल जो एक्सरसाइज है, सागर कवच।
सागर कवच वो शुरू ही है। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 24 अप्रैल को केरल तटों के साथ तटीय सुरक्षा तंत्र में कमी को मजबूत करने और मूल्यांकन करने के लिए शुरू हुआ था। तटरक्षक नौसेना, तटीय पुलिस और समुद्री परिवर्तन विंग इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नौसेना के जहाज कोस्ट गार्ड के 10-4 मछली पकड़ने वाले नौकाएं 20 तटीय पुलिस स्टेशन ड्रिल में भाग ले रहे हैं। तो एक ये ड्रिल है, यू कैन कॉल इट नेवल एक्सरसाइज सागर कवच। तो ये जो तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये स्टार्ट की गई है ये एक्सरसाइज। ये आज चलती रहती है एक्सरसाइज, मगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ये सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, तो केरल में हुई थी। कि किस लिए हुई थी ये, तो तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन आ भी सके हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ देख लीजिए इसे। एशियाई वेट लिफ्टिंग सीशिप की मेजबानी करने के लिए भारत, तो करेगा ये एशियाई वेट लिफ्टिंग सीशिप की मेजबानी करेगा भारत। भारत 2019 में प्रतिष्ठित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 22 अप्रैल को उज्बेकिस्तान में आयोजित कार्यकारी बोर्ड मीटिंग और एशियाई वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की कांग्रेस में चैंपियनशिप को भारत से सम्मानित किया गया था। एशियाई चैंपियनशिप का अंतिम संस्करण 23 से 29 अप्रैल से तुर्कमेनिस्तान के अशखबाद में आयोजित किया गया था। सॉरी, यहाँ किया गया था गलत हो गया है, किया जा रहा है होगा, इसका ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती होगी मेरे से। इसके लिए मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। ये चल रहा है 23 से 29 अप्रैल में तुर्कमेनिस्तान के अशबाक्त में आयोजित किया जा रहा है। तो इस पे जरा 2019 की मेजबानी करेगा वेट लिफ्टिंग सीशिप की भारत, एशियाई वेट लिफ्टिंग सीशिप की मेजबानी करेगा भारत। भारत ने एमपी सड़कों के लिए विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 210 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के 10.510 किलोमीटर खिंचाव शामिल होंगे, जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे आप समझ सकते हैं कि भारत में सड़कों के विस्तार के लिए विश्व बैंक से 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है भारत ने मध्य प्रदेश के लिए। तो मध्य प्रदेश के हमारे जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात से प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली आए थे, तो उस समय आनंदीबेन पटेल जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री भारत, ओ सॉरी गुजरात का। ISSF विश्व कप की रवीज को रजत, तो रवीज जी को रजत मिला है। 24 अप्रैल को शाहजार रिजवी ने ISSF विश्व कप में भारत का पहला पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एक रजत जीता। रिजवी ने मार्च में मेक्सिको के गुआडाला जारा में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। रूस ने कांस्य पदक जीता, जबकि कांस्य बुल्गेरिया ने भी जीता। रूस ने भी कांस्य पदक जीता है और जबकि कांस्य पदक बुल्गेरिया ने भी जीता है।
तो रिजवी जी ने शाहजहार रिजवी जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ओ सॉरी रजत पदक जीता, रजत, रजत मीन्स सिल्वर। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाता रहता हूँ। आप कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको कोई एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित कोई वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।